सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सुमन घोष भी प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस क्रिकेट ग्राउंड में आए हुए हैं, और ये जो क्रिकेट ग्राउंड है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे है, बिल्कुल यहाँ से थोड़ी दूर पे ही जो है 4 किलोमीटर दूर पे ही नोएडा है। और अभी हम लोग दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन ये हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसमें इस ग्राउंड पर हमारे को पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और मोर देन 1 आवर की जर्नी होती है हमारी ड्राइविंग करके। तो फ्रेंड्स, इस ग्राउंड से हैं जो कुछ क्लब काइट फाइटिंग की वीडियो बनाने वाले हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस वीडियो को पूरा बनाते हैं, और आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड्स देखिए, ये पहला पेज देखिए, और पहला पेज है, और नीचे से लड़ाने वाला जो है राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है, और काफ़ी मेहनत की जा रही है इस पेज के अंदर, आप देख सकते हैं। ऊपर चढ़ाने वाले ने अपनी पतंग आसमान में ऊपर चढ़ा ली, काफ़ी ऊपर चढ़ा ली, और अभी डाउन नहीं कर रहा है। और नीचे से लड़ाने वाला जो है अपनी पतंग को पूरी एकदम तैयारी के साथ रखा हुआ है। जो तीसरी पतंग, उसको मत देखना आप, क्योंकि वो दूसरी टीम की है। ये ऊपर से लड़ाने वाले ने भी अपनी पतंग डाउन कर दी, और काफ़ी ज़बरदस्त चेस किया हुआ है। नीचे से लड़ाने वाला जो है खतरे में आ चुका है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। लेकिन नीचे से लड़ाने वाले ने लास्ट मोमेंट पे कद मार दिया फ्रेंड्स, कद मार करके पेच काटा बिल्कुल। अगर ये समझदारी से काम नहीं लेता नीचे से लड़ाने वाला, तो इसकी पतंग कट जाती है एकदम लास्ट मिनट में। उसने अपना जो है खेल लिया और बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया। अब मेरा मन कर रहा है क्रिकेट खेलने का, नहीं मार पाया मैं, बॉल काफ़ी वाइड थी। अभी फिर दूसरी बॉल फिर फेंकी जाएगी। देखिए, मैंने बॉल को जो है कवर्स में मारा और काफ़ी दूर चला। भैया थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया। ये लीजिए, आप अपना बैट पकड़िए। हो गया, जाया हो गया क्या मगर? राउंड था, मैंने आगे में देखिए फ्रेंड्स, जो लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहे हैं वो नीचे से लड़ा रहे हैं, और वो ये प्लेयर हैं, और राइट हैंड साइड वाला जो है ऊपर से लड़ाएगा। और ये चलना शुरू किया और इन्होंने पेच काट दिया, और जो उधर आप एक प्लेयर देख रहे हैं वो उधर की टीम से लड़ रहा है, और इधर वाले इधर से लड़ा रहे थे, इन्होंने पेच काट दिया। बहुत अच्छा पेच काटा भाई साहब आपने, थम्स अप कर दीजिए। फ्रेंड देखिए, फिर से पेच लड़ने जा रहा है, और पेच सही हो चुका है। नीचे से लड़ाने वाला राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, वो लड़ा रहे हैं, वो पीछे हटना शुरू किया, और इन्होंने पेच काट दिया, बहुत बेहतरीन पेच काट दिया, और इनका भी हो गया सही। ये ऊपर से लड़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन पेच काट दिया। देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच लड़ने जा रहा है, और जो नीचे से लड़ाने वाला है जो है हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। नीचे से लड़ाने वाला काफ़ी अंदर तक घुस चुका है। ऊपर से लड़ाने वाले ने अभी अपनी पतंग डाउन नहीं करी है, आप पतंग डाउन करिए, और बहुत ही अच्छा जगह पर रखा है नीचे से लड़ाने वाले ने। बस अब ताकत की ज़रूरत है, और ताकत पूरा लगेगा तो पेच काटेगा। काट दिया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा नीचे से लड़ाने वाले ने पेच काटा, और पतंग खेतों के अंदर घुस गई। फ्रेंड्स देखिए, फिर से पेच लड़ने जा रहा है, और ये राइट हैंड साइड से प्लेयर ने 4 पेच काट दिया, ये इसका 5वां पेच है, और 5वां पेच है लेफ्ट हैंड साइड से लड़ाने वाला ऊपर से लड़ा रहा है। राइट हैंड साइड वाले ने खींचना शुरू किया, रुक गया क्योंकि अभी मौका नहीं था। अभी फिर दोबारा थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया, फिर खींचा, अब पूरा खींचेगा। ऊपर से लड़ाने वाले का पेच काट दिया फ्रेंड्स, वो अपना जो है मूव बनाता उससे पहले ही काट दिया, गाजर मूली की तरफ पतंग कट गई ऊपर से लड़ाने वाले की, और ये खेतों में पहुँच जाएगा। झुकता हुआ, लहराता, बलखाता हुआ जा रहा है ये पतंग, बहुत ही मस्त पेच काटा, और पेच काटने वाले ने जो है नीचे से लड़ाया था, और बहुत ही अच्छा जो इन्होंने 5 पेच काट दिया। अब इनका 6ठे का पेच लड़ेगा, फ्रेंड्स
देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और नीचे से लड़ाने वाले ने 5 पेच काट दिया है और ये इसका छठे का पेच लड़ रहा है। ऊपर चढ़ाया काफ़ी, ऊपर से लड़ाने वाले इस बार पहले ही चल दिया, लेकिन नीचे से लड़ाने वाला फिर अपना मुड्डा बदला और भीतर खेस दिया और बहुत ही बेहतरीन पेच काटा। ये भी पतंग खेतों में पहुँच जाएगी। आखिरी वक्त पे अपना मुड्डा जो है भीतर की तरफ फेर करके जो है खींच करके काटा फ्रेंड्स, और ये भीतर का मुड्डा पलटना सबके बस की बात नहीं है। ये मजा हुआ ही प्लेयर जो है इस तरह का पेच लड़ा सकता है। बहुत बेहतरीन पेच काटा, देख करके मजा आया। आप लोग इस पेच, इन सभी पेचों को बहुत ध्यान से देखना। जो लोग छत से लड़ाते हैं उन पेचों को देखें और इन पेचों को देख करके काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप कुल लोगों को। फ्रेंड्स देखिए ये सब पतंग वहाँ से उड़ाई जा रही है और एक पतंग देखिए ये आ गई मेरे पास और ये मेरे को मिल जाएगी। ये देखिए मेरे पास ही आ रही है और इसको मैं पकड़ूंगा और ये बिल्कुल कंधे से कट करके आई है और ये गिरी 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 और वो देखिए गिर गई। अब ये मेरे को मिल गई, ये मेरी पतंग हो गई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और जो नीचे से लड़ाने वाला है राइट हैंड नीचे से लड़ाने वाला जो है अपनी पतंग काफ़ी डाउन कर ली, ऊपर से लड़ाने वाला भी डाउन करेगा और अभी पता नहीं चला है कि कौन किधर से लड़ाएगा क्योंकि अभी सही की आवाज़ आई नहीं है और शाम हो चुका है, मुश्किल से 2-3 पेचों का टाइम है। जी हाँ फ्रेंड्स, नीचे से लड़ाने वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला राइट हैंड साइड से लड़ाने काफ़ी दूर निकल चुका है पेच ये फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ। और अब चलेगा नीचे से लड़ाने वाला तेज़ी से, बहुत तेज़ी से चला और पेच काट दिया। ऊपर से लड़ाने वाले का पेच कट गया फ्रेंड्स, एकदम आप देख सकते हैं पेड़ों के अंदर घुस गया। ये देखिए फ्रेंड्स ये सारी पतंगे जो है वहाँ से उड़ करके आ रही हैं और उधर भी पतंग उड़ रही है, आप देख सकते हैं उस साइड भी पतंग उड़ रही है और इधर भी उड़ रही है और ये सब आगे जाकर के लड़ेंगी फ्रेंड्स ये पतंगे। देखिए फ्रेंड्स फिर से पेच लड़ने जा रहा है जो राइट हैंड साइड से है, वो नीचे से लड़ा रहा है और पेच फंस गया है ये और बिल्कुल शाम हो चुका है फ्रेंड्स और ये पेच फंस करके काफ़ी दूर निकलता ही चला जा रहा है। दोनों तरफ से डोर निकाली जा रही है। आज हवा की स्पीड बहुत अच्छी थी, आज जो हवा की स्पीड थी वो आपकी थी 12 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ये बहुत ही अच्छी स्पीड होती है फ्रेंड्स काइट फाइटिंग के लिए। पेच फंसा हुआ है और दोनों तरफ से डोर निकाली जा रही है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ क्या होगा, किसका कटेगा किसका बचेगा पता नहीं कुछ। आप देख सकते हैं दोनों ही पतंग काफ़ी दूर निकल गई और बहुत ही दूर निकल गई और अभी दूसरी तरफ भी एक पे सही हो गया, काट दिया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा काट दिया, बहुत बढ़िया पेच काट। आप देख सकते हैं कि वो पतंग जा रही है, अभी दूसरी तरफ भी एक पतंग पेच सही होने जा रही है फ्रेंड्स। देखिए ये नीचे से लड़ाने वाला जो है राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है और दोनों ने बहुत ही अच्छा मूव किया हुआ है और कोई भी गद्दा नहीं मार पा रहा एक दूसरे के ऊपर। अभी फिर से कोशिश की जाएगी, अभी फिर से देखिए कोशिश की जा रही है। नीचे से लड़ाने वाला जो है राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, ऊपर से लड़ाने वाला लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। नीचे से लड़ाने वाले ने अपनी पतंग जो है काफ़ी अंदर जो है रखा हुआ है, हवा से तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से लड़ाने वाला ऊपर से चढ़ करके आ गया और अब ऊपर से लड़ाने वाले को ध्यान आया कि उसको बाहर निकलना चाहिए। अब ठीक है, बिल्कुल ऊपर से लड़ाने वाला जो है पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे से लड़ाने वाले की पतंग की मुड्डा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावर से खींच करके काट दिया नीचे से लड़ाने वाले ने। मज़ा आ गया देख करके फ्रेंड्स। आज का ये लास्ट पेस था, अब मैं ये वीडियो बंद करने लगा हूँ और बहुत ही मस्त पेस था ये वाला लास्ट पेच। अब अंधेरा होने वाला है, हमारे को काफ़ी दूर जाना है तो इसलिए हम वीडियो को बंद करेंगे फ्रेंड्स। अभी आपने जो ये लास्ट पेज देखा ये बहुत ही मस्त था, बहुत बढ़िया पेज था और इसी के साथ जो है आज हम लोग अपना वीडियो बंद करेंगे। मेरा वीडियो कैसा बना कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकॉन को भी दबा देना। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।